हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ हेड्स क्लास सब बैकग्राउंड ऑफ इंग्लिश टीचर एंड एट दिस सेक्शन टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ओरिजिन डेवलपमेंट फॉर्म एंड इम्पोर्टेंट एलजीज पास्टोरल पर्सनल इम्पर्सनल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड आई होप दैट श्योरली यू हैव रिसीव्ड सम न्यू थिंग्स अचीव्ड न्यू थिंग्स विच अंडर द टाइटल we have studied the sonnet. But before beginning the discussion, note down the right response of the questions which were given to you. Milton has written the doctrine and discipline of divorce in the year. Milton has written the doctrine and discipline in the year. ये आपसे पूछा गया था किस वर्ष का है, तो 1643 का है. नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, Milton has written हाउ मेनी पम्फलेट्स ऑन हिज डाइवोर्स. बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया. मिल्टन मिल्टन हैज रिटन हाउ मेनी पम्फलेट्स ऑन हिज, जिन्हें डाइवोर्स पंपलेट कहा जाता है वह कितने हैं? 4 पंपलेट्स. नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, मिल्टन हैज रिटन अ पंपलेट ऑन एजुकेशन इन द ईयर. मिल्टन हैज रिटन अ पंपलेट ऑन एजुकेशन. आपसे पूछा गया था कि मिल्टन हैज रिटन अ पंपलेट ऑन एजुकेशन इन द ईयर, किस वर्ष लिखा, तो 1644 का. नेक्स्ट यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 था, मिल्टन वाज ब्लाइंड एडमायरर ऑफ, वाज ब्लाइंड admirer of in the field of, was blind admirer in the field of, Milton was blind admirer in the field of education. ऑफ किसका था, तो कॉमन ही है, COME. इनके बारे में ढेर सारे प्रश्न अभी लिखे जाएंगे. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, कॉमनेस इज रिगार्डेड इन्हें क्या माना जाता है, द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, द फादर ऑफ मॉडर्न द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन रिगार्ड किया था. चले देख लें तो यहाँ जो प्रश्न लिखे गए हैं वह क्या है, इम्पोर्टेंट प्रोज वर्क्स ऑफ मिल्टन. यहाँ जो प्रश्न लिखे गए हैं वह किससे हैं, इम्पोर्टेंट प्रोज वर्क्स फ्रॉम मिल्टन से लिखे गए हैं. जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मिल्टन हैज रिटन द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स इन द ईयर, किस वर्ष मिल्टन ने यह पंपलेट लिखा. वैसे आप जानते हैं कि मोस्टली मिल्टन्स प्रोज वर्क्स इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ पंपलेट आर द पोलिटिकल ट्रैक्स. मिल्टन महोदय के जो भी हैं, इवन दैट देख लें, जो लार्जेस्ट है अरियोपजेटिका, वो अभी किस फॉर्म में है, वो पंपलेट पैटर्न पे है. तो लिखा गया मिल्टन हैज रिटन द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स इन द ईयर 1643 का है. नेक्स्ट मिल्टन हैज रिटन हाउ मेनी पंपलेट्स ऑन हिज डाइवोर्स, 4 पंपलेट लिखा है या परीक्षा में पूछता है, इसको ध्यान दीजिएगा, 4 पंपलेट्स हैं.
नेक्स्ट मिल्टन हैज रिटन अ पॉम्फलेट ऑन एजुकेशन, इन्होंने एक पॉम्फलेट लिखा है अंडर द टाइटल ऑन एजुकेशन, किस वर्ष लिखा 1644 का है। नेक्स्ट मिल्टन वॉज ब्लाइंड एडमायरर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन ऑफ, किसके थे ब्लाइंड एडमायरर, तो कॉमेनियस, कॉमेनियस को क्या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमेनियस इज रिगार्डेड द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, कॉमेनियस को द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन रिगार्ड किया जाता है। मिल्टन महोदय भी ब्लाइंड एडमायरर थे, यद्यपि वह चेक गणराज्य के थे लेकिन ब्रिटेन में भी आए थे पार्लियामेंट के रिक्वेस्ट पे टू रिफॉर्म द एजुकेशन सिस्टम ऑफ ब्रिटेन। ही वॉज कॉल्ड बाई द पार्लियामेंट, या ब्रिटिश पार्लियामेंट, और ब्रिटिश पार्लियामेंट ही नहीं है, सेवरल कंट्रीज या सेवरल वेस्टर्न कंट्रीज ड्यूरिंग द 17th century रिकॉल है। कॉमेनियस को ढेर सारे देशों ने बुलाया अपने देश में शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन के लिए, जो भी जागरूक रहे तो भी कॉमेनियस के बारे में आपको बताएंगे। चले देख लें, आज से एक नए टॉपिक का अध्ययन किया जाएगा, वह क्या है एलजी, ELEGY। वैसे तो आप पर्याप्त पढ़े हैं, पर्याप्त जानते हैं, लेकिन जैसा कि आपने सोनेट में देखा है कि कुछ न कुछ नया, समथिंग सोली न्यू, कुछ न कुछ नया आपको मिला होगा, उसी तरह से आज एलजी का स्टडी किया जाएगा। देखिए परीक्षा, यह कंपटीशन है फ्रॉम वेयर द एग्जामिनर गिव्स द क्वेश्चन, कहाँ से प्रश्न देगा इसका कोई ठिकाना नहीं होता है, तो अपने अंदर मैक्सिमम मास्टरी एंड कमांड होना चाहिए, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑन द टॉपिक होना चाहिए। एक बार TGT की परीक्षा में पूछ लिया था कि अर्लियर, ध्यान से सुनिएगा, आपसे ही पूछा जा रहा है या आपको ही बताया जा रहा है कि अर्लियर एलजी वाज डिटरमाइन थ्रू, पहले एलजी का निर्धारण कैसे होता था, तो पहले एलजी का निर्धारण एलेजी के स्टैंजा से होता था, अन्यथा यह वार पोएम्स भी होती थी, यह लव सॉन्ग भी होता था 16th century में, देख लीजिए, या अर्ली 17th century में। तो जॉन डन की ढेर सारी कविताएं जो सेपरेशन पे लिखी गई हैं, वह भी क्या है, वह लव है। तो चले पहले टॉपिक लिख देते हूँ, फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, आज जिसकी स्टडी होगी वह क्या होगा, एलजी। फॉर्म्स ऑफ पोएट्री में आज जिसका स्टडी होगा वह क्या होगा, ELEGY लिखा गया है, एलजी यहाँ पे लिखा गया है। तो पहले डेरिवेशन को देख लेते हैं, द टर्म एलजी इज डिराइव्ड फ्रॉम, टर्म का मतलब इंग्लिश वर्ड है, द टर्म एलजी इज फ्रॉम ग्रीक वर्ड, द टर्म एलजी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एलिगास, ELE। अब देखें यहाँ पे क्या लिखा गया है, एलिगॉस लिखा गया, विच क्या होता है, सॉन्ग ऑफ लेमेंटेशन, फ्यूनरल सॉन्ग, एलिगॉस विच मीन्स और सॉन्ग ऑफ इसे क्या कहा जाता है, और सॉन्ग ऑफ लेमेंटेशन और ऑफ फ्यूनरल और ऑब्लिक लेमेंट, यहाँ फ्यूनरल सॉन्ग और लेमेंट, बट अर्लियर अब ध्यान से देखें, बट बट अर्लियर इन एंशियंट ग्रीस, कहाँ की बात की जा रही, बट अर्लियर इन एंशियंट ग्रीक एन एलजी, बट अर्लियर इन एंशियंट ग्रीस एन एलजी, एन एलजी वाज आल्सो कंपोज्ड, वाज आल्सो कंपोज्ड ऑन द थीम ऑफ, अब ध्यान दीजिए क्या है यहाँ पे लिखा जा रहा है, ऑन द थीम ऑफ क्या, वॉर हो गया,
इसे वार सांग्स भी कहा जाता था। वार क्या कहा जाता था? युद्ध के गीत, वार सांग्स, लव पोएम्स, लव पोएम्स, पॉलिटिकल वर्जेज, पॉलिटिकल वर्जेज एंड आल्सो लैमेंटेशन, लैमेंटेशन ऑन द डेथ ऑफ एनीवन। इतनी चीजें होती थी। अब चलिए देखिए, सो एन एलजी वॉज डिटरमाइंड थ्रू, सो इन एंशियंट ग्रीस एन एलजी वॉज डिटरमाइंड, इन एंशियंट ग्रीस एन एलजी वॉज डिटरमाइंड थ्रू यहाँ छोड़ गया, सो इट कवर्ड कवर्ड द सब्जेक्ट, दोनों ही सब्जेक्ट कवर करते थे, ग्रेव एंड गे लिखने में छूट गया था। डिटरमाइंड थ्रू द इलेजिक स्टैंजा, थ्रू द इलेजिक स्टैंजा। अब देखें, इलेजिक स्टैंजा होता क्या था? इलेजिक स्टैंजा कंसिस्टेड ऑफ कपलेट, इन अ डाइसिलेबिक मीटर, डैक्टिल, मीन DACTLY, इन अ डैक्टिलिक मीटर, ओ सॉरी डैक्टिलिक मीटर या हेक्सामीटर, किसमें लिखी जाती थी? डैक्टिलिक हेक्सामीटर में लिखी जाती थी, हेक्सामीटर। एंड आल्सो फॉलोवेड बाय डैक्टिलिक DACTY पेंटामीटर। इतनी चीजें थी, यह कर क्या करती, डैक्टिलिक पेंटामीटर, विच मीन्स वन लॉन्ग सिलेबल एंड टू शॉर्ट सिलेबल्स, रिपीटेड 6 times, then 5 times, एक बार कितना हुआ 6 times और दूसरा 5 times होगा। चलने देख लो, तो यहाँ पे डेरिवेशन दिया गया है आपको। डेरिवेशन में जो फॉर्म्स ऑफ पोएट्री में जिस टॉपिक की स्टडी हो रही है वह क्या है? एलजी है, शोक गीत है। लिखा है द टर्म एलजी इज डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एलिगास, ELEGOS, विच मीन्स अ सॉन्ग ऑफ लैमेंटेशन और अ फ्यूनरल सॉन्ग, अ फ्यूनरल लैमेंट। एलजी मीन्स क्या होता है? अ सॉरोफुल सॉन्ग होता है। एलजी मीन्स क्या होता है? अ सॉरोफुल सॉन्ग होता है। वही लिखा गया है कि यह जो शब्द, जो इंग्लिश वर्ड एलजी है, यह ग्रीक भाषा के शब्द क्या है, एलिगॉस, ELEGOS से डेवलप है, जिसका मतलब होता है अ सॉन्ग ऑफ लैमेंटेशन और अ फ्यूनरल सॉन्ग, और लैमेंट होता है। बट अर्लियर इन एंशियंट ग्रीस,
एंड एल जी वॉच आल्सो कम्पोज ऑन द थीम ऑफ वार या वार सॉन्ग्स कहा जाता था, वार पोएम्स थी, लव पोएम्स थी, पोलिटिकल वर्जेस थे एंड आल्सो लेमेंटेशन ऑन द डेथ ऑफ एनी वन. सो इट कवर्ड द लार्ज वाइड सब्जेक्ट मैटर बोथ ग्रेव एंड गम. दोनों ही सब्जेक्ट मैटर को कवर करता था, जो जॉयस भी होते थे, प्रसन्नतादायक भी होते थे और जो दुखद भी होते थे. सो इन एंशियंट ग्रीस एन एलजी वॉज डिटरमाइंड थ्रू द इलेजिक स्टैंजा. इसको ध्यान रखिएगा, यही रीजन रहा कि एंशियंट ग्रीस में एलजी स्पेशली इलेजिक स्टैंजा से डिटरमाइन होते थे. इस स्टैंजा फॉर्म में कुछ भी लिख दिया जाता था. अब ध्यान से सुनिएगा, अगर इलेजिक स्टैंजा फॉर्म जो यहाँ लिखा गया है, कुछ भी इसमें लिख दिया, चाहे वह वार पोएम्स हो, वार सॉन्ग्स हो, लव पोएम्स हो, पॉलिटिकल पोएम हो और सोरोफुल सॉन्ग हो, अगर वह इलेजिक स्टैंजा में लिखा गया था तो उसे क्या कहा जाता था? एलजी कहा जाता था. अब समझ में आ गया. तो पहले एलजी सब्जेक्ट मैटर से नहीं डिसाइड होता था, बल्कि एलजी जो इलेजिक स्टैंजा फॉर्म था, और इलेजिक स्टैंजा फॉर्म किस में लिखा जाता है? यह कपलेट में होता है, यह कपलेट में होता है. अब इन ए डैक्टिल हेक्सामीटर, डैक्टिल हेक्सामीटर में होता है. तो अब डैक्टिल आप जानते हैं कि थ्री सिलेबिक होता है, हेक्सा माने फाइव, रिपीटेड फाइव टाइम हो गया, अब रिपीटेड सिक्स टाइम हो गया हेक्सा मीन्स, अब पेंटा मीन्स फाइव टाइम हो गया. तो एक लाइन डैक्टिक हेक्सामीटर में होती थी तो एक सिलेबल उसमें ज़्यादा हो जाता था. सब में क्या होता था? फाइव सिलेबल होते थे और उसमें क्या हो, पेंटा में फाइव हो गए, रिपीटेड फाइव टाइम, तो हेक्सा में रिपीटेड क्या हो गया? सिक्स टाइम हो गया. एक लाइन बड़ी हो जाती थी, एक लाइन छोटी होती थी, कपलेट फॉर्म में लिखी जाती थी. कपलेट का मतलब होगा राइमिंग इन या राइम इन सक्सेसिव लाइन, हर पहली लाइन दूसरी लाइन से राइम करती है. तो वन लॉन्ग सिलेबल एंड टू शॉर्ट सिलेबल्स रिपीटेड सिक्स टाइम्स देन फाइव टाइम्स. अब इसे क्या कहा गया? एलजी कहा गया. तो चले एक बात समझ में आई कि जब एलजी शब्द की उत्पत्ति हुई तो उस समय पे यह शब्द एंशियंट ग्रीस में केवल शोक गीत के लिए नहीं प्रयुक्त होता था. यह आपको कंफर्म हो गया, यह केवल शोक गीत के लिए नहीं प्रयुक्त होता था, क्योंकि कोई भी विषय वस्तु, विषय वस्तु चाहे सुखद रही हो, विषय वस्तु चाहे दुखद रही हो, एलजिक स्टैंजा फॉर्म में लिख दी जाती थी तो उसे क्या कहा जाता था? एलजी कहा जाता था. अब एलजिक स्टैंजा फॉर्म किस में लिखा जाता था? डैक्टिल में. जो डैक्टाइल या डैक्टिल होता है वह क्या है? थ्री सिलेबिक है. वह थ्री सिलेबिक है तो थ्री सिलेबिक का मतलब क्या हुआ? एक लघु, एक दीर्घ हो जाएगा तो शेष लघु हो जाएंगे. अब रिपीटेड सिक्स टाइम तो हेक्सा हो गया, रिपीटेड फाइव टाइम तो क्या हो गया? पेंटा हो गया. लेकिन जो फॉर्मेट होता था स्टैंजा का वह कपलेट होता था, वह कपलेट होता था. तो इस स्टैंजा फॉर्म में माने दो दो लाइन अल्टरनेट लिखी जाए, और इस स्टैंजा फॉर्म में जो लिख दिया जाता था उसे क्या कहा जाता था? एलजी. तो आप अगर न समझ पाए तो आप इतना ही ध्यान रखें कि इन एंशियंट ग्रीस एलजी वाज डिटरमाइंड थ्रू द इलेजिक स्टैंजा. अब तो समझ में आ जाएगा कि एलजी का जो डिसीजन होता था वह किसके थ्रू होता था? वह इलेजिक स्टैंजा के थ्रू होता था. अब देखें बाद में रूप बदलता गया. लेटर ऑन एलजी वाज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग फोर काइंड्स. लेटर ऑन, लेटर ऑन एलजी वाज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग, लेटर ऑन एलजी वाज डिवाइडेड टू फॉलोइंग फोर काइंड्स. अब नंबर एक क्या हो गया? डर्ज हो गया. दूसरा पर्सनल एलजी, पर्सनल. तीसरा इम्पर्सनल. नेक्स्ट पास्टोरल एलजी. यह क्या हो गई? पास्टोरल एलजी. अब चले देख ले, जो शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ एलजी हो गया, लेटर ऑन एलजी क्या हो गई? फोर पार्ट्स में डिवाइड होती है, चार भागों में बांटा जाता है. तो जो फर्स्ट इसका होता है वह क्या है? डर्ज हो गया. अ शॉर्ट सॉन्ग ऑफ लेमेंटेशन, यह क्या होता है? अ शॉर्ट सॉन्ग ऑफ लेमेंटेशन होता है.
ऑन द सोरोफुल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ और द डेथ, दोनों हो सकते हैं। पर्सनल एलजी आप जानते हैं कि व्हेन द पोएट इज पर इट इज कंपोज मेयर ऑन द डेथ, यह जो इसका टॉपिक होता है विषय वस्तु होता है वह क्या होता है, डेथ होता है, डेथ पे कंपोज होता है पर्सनल एलजी। अब इसमें जो पोएट होता है पर्सनल क्यों कहा जाता है, बिकॉज द पोएट इज पर्सनली रिलेटेड टू द मैन हु हैज पास्ड अवे एंड गोइंग टू कमेमोरे गोइंग टू कंपोज दिस एलजी इन हिज मेमोरी, उसकी याददाश्त में जो लिखता है ढेर सारी पर्सनल एलजी। मिल्टन का आपने पढ़ा है ऑन द डेथ ऑफ एन इन्फेंट, इसको भी पढ़ा है, या दो तो बहुत फेमस हैं आपने उनको पढ़ा है जो है ओ कैप्टन माई कैप्टन, ओ कैप्टन माई कैप्टन, या वेली लैक्स लॉस्ट इन द डोर यार्ड ब्लूम वॉल्ट विटमैन की, इनको आपने पढ़ा है। तो इसमें क्या होता है पर्सनल में द पर्सनली रिलेटेड टू द मैटर, तो जो ग्रीवेंसेस होता है जो मोर्नर होता है वह बिटर लेमेंटेशन करता है, वह उसका कीथ एंड कीन होता है जो डेड पर्सन है, या रिलेटिव होता है, फैमिली मेंबर होता है, क्लोज फ्रेंड होता है, एनी आइडियल फिगर ऑफ लाइफ होता है। नेक्स्ट है इम्पर्सनल एलजी, तो जैसा कि इम्पर्सनल है यहाँ पे इम लगा हुआ है, माने ऑल्दो द पोएट इज नॉट पर्सनली रिलेटेड टू दैट टॉपिक ऑन विच ही इज गोइंग टू कंपोज द एलजी। अब यह जो होती है इसमें बिटर लेमेंटेशन होता है, बिटर लेमेंटेशन होता है, बिटर ग्रीवेंसेस को रिप्रेजेंट किया जाता है। यह क्या होती है जो इम्पर्सनल होती है हाईली फिलोसफिकल होती है, यह दार्शनिक होती है। अगर आपको याद होगा तो दो तो आप पढ़ते हैं आपने, थॉमस ग्रे का एन एलजी रिटेन इन द कंट्री चर्च यार्ड, आपने इसको पढ़ा होगा थॉमस ग्रे का एन एलजी रिटेन इन द कंट्री चर्च यार्ड, यह आपको याद होगा। न याद होगा तो आपने मैथ्यू अर्नाल्ड का डावर बीच पढ़ा होगा। नेक्स्ट पास्टोरल, तो ये जो पास्टोरल एलजी है इसमें एक पास्टोरल नेचुरल सीनरी को क्रिएट किया जाता है, ब्यूकोलिक एटमॉस्फेयर को क्रिएट किया जाता है, जो डेड मैन है या जो मोर्नर है जो विलाप करता है दोनों अपने को शेफर्ड्स के रूप में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ब्यूकोलिक पास्टोरल सीनरी को क्रिएट करते हैं, और इसमें पर्सनल इम्पर्सनल दोनों का गुण आ जाता है। इसमें बिटर लेमेंटेशन भी होता है, हाईली फिलासफी भी होती है। इसकी थीम मोस्टली देखें तो थ्री पार्ट में बटी हुई थी, जो फर्स्ट पार्ट होता है बिटर लेमेंटेशन होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट पास्टोरलजी, अभी इनके बारे में लिखाया जाएगा। जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें बिटर लेमेंटेशन होता है, जो सेकंड पार्ट होता है बिटर डिनंसिएशन ऑफ ह्यूमन एक्शन होता है, बिटर डिनंसिएशन ऑफ ह्यूमन एक्शन होता है। जो थर्ड पार्ट होता है वो हाईली फिलासफिक होता है, रिप्रेजेंटिंग द रियलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ बिकॉज आवर्स लाइफ इज सेंसिएंट ऑन दिस मॉर्टल अर्थ, हमारा जो जीवन है पृथ्वी पे वो क्षणिक होता है, और जो रियलिटी है कि द सोल विच केम यह आती कहाँ है फ्रॉम द हीवन एंड एट लास्ट गोज टू द वर्ल्ड, वही चली जाती है। तो अब इनको देखें यह क्या लिखा है, लेटर ऑन एल जी वॉज डिवाइडेड इंटू फॉलोइंग फोर काइंड्स हो गया। अब एक एक के बारे में शॉर्ट में हम देख लेते हैं, जो फर्स्ट है वह क्या है डर्ज है, यहाँ से स्टडी को शुरू करते हैं। तो डर्ज क्या होता है, शॉर्ट सोरोफुल सॉन्ग होता है, एक छोटा सा शोक युक्त गीत होता है, एक छोटा सा शोक युक्त गीत होता है। यह ऐसी घटना पर लिखा जाता है, ऐसी घटना पर जो जब घटित होती है तब तो लगता है वो यस रियली इट इज़ वेरी पेनफुल, इट इज नेक्स्ट टू डेथ, यह नेक्स्ट टू डेथ है, लेकिन बाद में हो सकता है इट टर्न्स इनटू जॉय, इट टर्न्स इनटू लवलीनेस, बाद में वही घटना जिसको हम दुख का कारण मान रहे थे वह सुखद अनुभूति प्रदान करती है। अगर आपने पढ़ा होगा इस शेक्सपियर जी का टेम्पेस्ट, उसमें जो एरियल का सॉन्ग है फुल फैदम दाई फादर लाइज एंड हिज बोन्स आर कोरल मेड, यह क्या है, यह डर्ज का एग्जाम्पल है। तो डर्ज को हम क्या कह सकते हैं, चले एक एक को लिख लिया, और शॉर्ट ओ शॉर्ट सोरोफुल सॉन्ग कंपोज A short sorrowful song composed on any PARTI particular persons likha hai ya, particular persons death or painful aspect of human life human life
एग्जाम्पल्स, अगर आपने पढ़ा होगा एरियल सॉन्ग इन द टेम्पेस्ट, एरियल सॉन्ग इन बाई शेक्सपियर, बाई शेक्सपियर आपको याद आ गया होगा, फुल फैदम, फुल फैदम फाइव दाई फादर लाइज। चलिए एक ही लाइन लिखा, एंड हिज बोन्स आर, बोन्स आर कोरल मेट, एक या तो यह याद होगा। दूसरा अगर विलियम कॉलिंस की पोयम, सॉरी दूसरा अगर विलियम कॉलिंस की पोयम आपको याद होगी, विलियम कॉलिंस, अ सॉन्ग फ्रॉम शेक्सपियर्स सिम्बेलाइन, शेक्सपियर्स सिम्बेलाइन, तो उसे क्या कहा जाता है, वह डर्ज का एग्जाम्पल है। तो डर्ज क्या होता है, शॉर्ट सॉरोफुल सॉन्ग कंपोज ऑन एनी पर्टिकुलर पर्सन्स डेथ और पेनफुल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब इसमें एरियल सॉन्ग इन द टेम्पेस्ट आपने पढ़ा होगा, बाई शेक्सपियर फुल फैदम फाइव दाई फादर लाइज एंड हिज बोन्स और कोरल मेट, नेक्स्ट विलियम कॉलिंस और सॉन्ग फ्रॉम शेक्सपियर सिम्बेलाइन, यह किसके एग्जाम्पल हैं। तो जो छोटे मोटे जो पेनफुल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ होते हैं, जो पर्टिकुलर पर्सन की डेथ होती है, उस पर जब अपने ग्रीवेंसेस को हम प्रेजेंट करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे डर्ज कहा जाता है। ए शॉर्ट सॉन्ग होता है, शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ एलिजी होता है। अब चले देख ले नेक्स्ट जो है वह क्या है, पर्सनल एलिजी है। तो व्हेन द पोएट इज पर्सनली रिलेटेड टू द मैटर और द पर्सन हु हैज पास्ड अवे एंड ही कंपोजेज सॉरोफुल सॉन्ग टू कमेमोरेट हिज मेमोरी, दैट इज कॉल्ड द पर्सनल एलिजी। नेक्स्ट यहाँ पे नंबर दो है, व्हेन द पोएट इज पर्सनली रिलेटेड टू द डेड मैन एंड कंपोज्ड अ पोयम इन हिज मेमोरी टू कमेमोरेट एंड एक्सप्रेस हिज डीप ग्रीफ एंड एक्सप्रेस हिज डीप ग्रीफ दैट इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है, पर्सनल एलजी। इट रिमेन्स फुल ऑफ बिटर लैमेंटेशन बिटर लैमेंटेशन यहाँ पे एग्जाम्पल मिल्टन्स मिल्टन्स ऑन द
डेथ ऑफ एन इन्फेंट ऑन द डेथ ऑफ एन इन्फेंट हो गया वॉल्ट विटमैन्स वो कैप्टन माई कैप्टन एंड व्हेन रिलैक्स लॉस्ट इन द डोर यार्ड M.E.D. होगा ब्लूम्ड टेनिसंस अब एक साथ लिख दिया है इन मेमोरियम आर्नॉल्ड्स रग्बी चैपल RUGBY चले हैं तो ढेर सारी इतनी पर्याप्त हो गई है तो क्या लिखा गया व्हेन द पोएट इज पर्सनली रिलेटेड टू द डेड मैन जो डेड मैन है जैसा कि बताया गया कि यह किस पे लिखी जाती है पर्सनल डेथ पे पर्सनल माने पोएट पर्सनली रिलेटेड है तो व्हेन द पोएट इज पर्सनली रिलेटेड टू द डेड मैन एंड कंपोज अ पोएम इन हिज मेमोरी इन हिज का मतलब है द पर्सन हु हैज पास्ट अवे टू कमेमोरेट अपने याददाश्त के लिए या उसको यादगार बनाने के लिए अपनी फ्रेंडशिप को एंड एक्सप्रेसेस डीप ग्रीफ अपने गहरे वेदना को प्रस्तुत करता है दैट इज कॉल्ड पर्सनल एलजी पर्सनली रिलेटेड है तो पर्सनल एलजी कहा जाता है इट रिमेंस फुल ऑफ बिटर लेमेंटेशन इसकी जो क्वालिटी है वह क्या है बिटर लेमेंटेशन होती है मिल्टन्स ऑन द डेथ ऑफ एन इन्फेंट आपने पढ़ा है यह क्या है यह भी ऑन द डेथ ऑफ एन इन्फेंट या इपिटेफियम अगर आपने पढ़ा होगा भूल गए लिखना है यहाँ पे तो दियोदती के डेथ पे लिखा था नेक्स्ट है वॉल्ट विटमैन्स ओ कैप्टन माई कैप्टन हो गया एंड व्हेन रिलैक्स लॉस्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड हो गया नेक्स्ट है टेनिसंस इन मेमोरियम हो गया नेक्स्ट आर्नॉल्ड्स रग्बी चैपल टेनिसन आप जानते हैं AHH माने आर्थर हेनरी हेलम की डेथ पे लिखा है और आर्नॉल्ड ARNOLD लिखा है आर्नॉल्ड सोना अपोस्ट्रॉफी ऐसे यहाँ होना चाहिए था रग्बी चैपल इन्होंने क्या किया था अपने फादर की डेथ पे लिखा था तो चलें अभी आपने क्या देखा पर्सनल एलजी यहाँ पे देखा पर्सनल का मतलब यह है कि द मैटर इज रिलेटेड पर्सनली टू द पोएट जो मामला है वह इशू कुछ भी हो सकता है लेकिन उसमें कवि पर्सनली उससे क्या है जुड़ा हुआ है तो उसे क्या कहा जाता है पर्सनल एलजी कहा जाता है अब देखें नेक्स्ट जो आप स्टडी करेंगे वह क्या है इम्पर्सनल एलजी तो इम्पर्सनल का मतलब क्या है कि द पोएट इज नॉट पर्सनली रिलेटेड टू दैट मैटर ऑन विच ही इज गोइंग टू कंपोज समथिंग जब वह पर्सनली रिलेटेड नहीं है तो वह ग्रीवेंसेस वह बिटर लेमेंटेशन जो हमें पर्सनल एलजी मिलता है वह इम्पर्सनल में हमें देखने को नहीं मिलता क्योंकि जो इशू है वह पर्सनल नहीं है वह इम्पर्सनल है तो चले देख लें जो नेक्स्ट है वह क्या है इम्पर्सनल एलर्जी द इम्पर्सनल यहाँ पे क्या लिखा गया है द इम्पर्सनल एलर्जी द पोएट इज पर्सनली नॉट रिलेटेड व्हेन द पोएट इज पर्सनली नॉट रिलेटेड टू द मैटर व्हेन द पोएट इज पर्सनली not related to the matter on which he is going to compose an elegy then
देन इट इज कॉल्ड इम्पर्सनल एलजी। इट रिमेन्स आई एम है या इट है। इट रिमेन्स हाईली फिलोसफिकल, हाईली इट रिमेन्स हाईली फिलोसफिकल एंड मोरल, मोरल फुल ऑफ फुल ऑफ डिडेक्टिस, इसी में सब आ जाएगा। एग्जाम्पल्स देखें, एन एलजी रिटेन एन एलजी रिटेन इन द कंट्री चर्च यार्ड, नेक्स्ट मैथ्यू आर्नॉल्ड, डॉवर बीच, यह क्या है डॉवर बीच है मैथ्यू आर्नॉल्ड। चलें देख लें, तो द इम्पर्सनल एलजी, जैसा कि आपको बताया गया था कि व्हेन द पोएट इज पर्सनली नॉट रिलेटेड टू द मैटर, जब कभी उस मामले से पर्सनली नहीं जुड़ा हुआ है तो उसे क्या कहा जाता है, इम्पर्सनल कहा जाता है। व्हेन द पोएट इज पर्सनली नॉट रिलेटेड टू द मैटर ऑन व्हिच ही इज गोइंग टू कंपोज एन एलजी, जिसमें वो शोक गीत लिखने जा रहा है, देन इट इज कॉल्ड इम्पर्सनल एलजी, तो इसे क्या कहते हैं, इम्पर्सनल एलजी कहा जाता है। इट रिमेन्स हाईली फिलोसफिकल, यह क्या होती है, हाईली फिलोसफिकल होती है एंड मोरल नैतिकतावादी होती है, फुल ऑफ डिडेक्टिसिज्म, इसमें उपदेशवादिता उपदेश परक बातें ज़्यादा होती हैं, नैतिकता प्रधान बातें। जैसे अगर आपने टॉमस ग्रेज का एन एलजी रिटन इन द कंट्री चर्च यार्ड पढ़ा होगा तो एवरी लाइन ऑफ दिस पोएम इज रिमार्केबल, फुल ऑफ मोरलिटी एंड डिडेक्टिसिज्म, हर एक लाइन इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड्स बट टू द ग्रेव हो गया, चाहे इन लास्ट लाइन अगर आपने पढ़ा होगा कि ऑल दैट ब्यूटी ऑल दैट वेल्थ कैन नेवर गिव, द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड्स बट टू द ग्रेव, चाहे एम्बिशन शुड नॉट मॉक ऑन दियर यूजफुल ट्वेल, कोई भी सम म्यूट इन ग्लोरियस मिल्टन और गिल्टलेस क्रॉमवेल हियर मैरिस्ट, यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है। तो यह हाईली फिलोसफिकल होती है, रिप्रेजेंटिंग द रियलिटी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड द लाइफ ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन दिस मैटर, दोनों को यह एक साथ टारगेट करती है, जो ह्यूमन लाइफ है सोसाइटी है उसको। चाहे अगर आपने मैथ्यू आर्नॉल्ड का डावर बीच पढ़ा होगा, मैथ्यू आर्नॉल्ड का डावर बीच पढ़ा होगा, तो यह क्या है, अभी आपने तीन की स्टडी किया, एक क्या है, द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ एलजी जिसे आपने देखा वह क्या है, मैंने डर्ज हो गया। अब डर्ज के बाद नेक्स्ट जो देखा वह क्या है, पर्सनल एलजी हो गया, शॉर्ट में ही लिखा गया चूँकि ये सब आप पढ़ते हैं जानते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा पर्सनल और इम्पर्सनल के बाद वह क्या होगा, पास्टोरल एलजी होगा। तो पहले तो यह देखें कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट ऑफ एंड द पास्टोरल एलजी। द रेस्ट ऑफ मीन्स विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, वह जिनको अभी आपने पढ़ा हुआ है उनमें देखें, माने डर्ज हो गया, पर्सनल हो गया, इम्पर्सनल हो गया, और इसमें अंतर क्या है, उसके बाद चीफ करेक्टरिस्टिक क्या होती हैं। लेकिन उसके पहले अब आज के जो प्रश्न हैं आप उनको देख लें। कॉमेनियस वाज अ नेटिव ड्वेलर ऑफ, अक्सर बात चलती है याद रहना चाहिए सी ओ एम ई नेटिव ड्वेलर ऑफ, कॉमेनियस कहाँ का मूल निवासी था। नेक्स्ट कॉमेनियस वाज बोर्न इन द ईयर, अक्सर आता तो नहीं लेकिन मिल्टन एडमायरर थे इसलिए लिख दिया वाज इन द ईयर, किस वर्ष इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है कॉमेनियस वाज और यह किस ढंग का फिलासफर था आपको बताना है। नेक्स्ट कॉमेनियस इज रिगार्डेड द इज
रिगार्डेड द। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, विच इज द बेस्ट बुक ऑफ कम्युनिस्ट। रिगार्डेड द बेस्ट बुक ऑफ कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट की सबसे अच्छी किताब कौन मानी जाती है। चले पास्टोरल जी, अभी एक साथ इसलिए नहीं पढ़ाया गया कि काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो आप पहले प्रश्न को देख लें। कॉमेनियस वॉज अ नेटिव ड्वेलर ऑफ। कॉमेनियस कहाँ का मूल निवासी था। नेक्स्ट, कॉमेनियस वॉज बॉर्न इन दियर, किस वर्ष जन्म हुआ था। नेक्स्ट, कॉमेनियस वॉज अ, यह किस संघ का फिलासफर था। कॉमेनियस इज रिगार्डेड द, यह जो है किसका फादर रिगार्ड किया जाता है। नेक्स्ट, विच इज रिगार्डेड द बेस्ट बुक ऑफ कॉमेनियस। तो कॉमेनियस से प्रश्न इसलिए दिए गए कि 99% बच्चों को देखिए, यह तो जानते हैं कि मिल्टन वॉज एन अर्डेंट फॉलोअर ऑफ कॉमेनियस, यहाँ तक तो पता होगा। आई एम नॉट गोइंग टू डिनाउंस द नॉलेज ऑफ एनीवन, किसी के ज्ञान की मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी के ज्ञान की निंदा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हर एक व्यक्ति का ज्ञान उसके लिए महत्वपूर्ण होता है, वह जितना कम या ज़्यादा जानता है वो अलग बात हो गई, बशर्ते आप कंप्यूटर हैं तो आपके अंदर एग्जैक्टनेस होना चाहिए। एग्जैक्टनेस इन द सेंस, जैसे मान लीजिए कि आपने पढ़ा ऑफ एजुकेशन, सॉरी ऑन एजुकेशन मिल्टन का, तो ऑन एजुकेशन पढ़ा, उसमें जिक्र आता है कॉमेनियस, मिल्टन वॉज एन अर्डेंट फॉलोअर ऑफ कॉमेनियस, बार बार आप सुनते तो हो कॉमेनियस कॉमेनियस, लेकिन 99% बच्चों को नहीं पता होता है कि एक्चुअली हु वॉज कॉमेनियस। लाइफ स्केच नहीं पढ़ाया जा सकता क्योंकि आपके कोर्स में नहीं है, वैसे भी जो हमारे यहाँ पढ़ते हैं आप नॉन डिटेल शॉर्ट में पढ़ने के आदि हो, डिटेल में पढ़ाने लगो कुछ भी तो आप दाएँ बाएँ भगना शुरू कर देते हैं, दाएँ बाएँ भगना शुरू कर देते हैं। दूसरा, जो लाइव क्लास की बात करते हैं, तो मैंने ढेर सारे लोगों की लाइव क्लास को देखा, एक घंटे 10 मिनट, एक घंटे 5 मिनट में, आधे घंटे का भी टॉपिक, आधे घंटे का भी आपको उसमें मैंने जो डेंसिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर होती है वह नहीं मिल पाता, इसलिए मैंने डिसीजन लिया। दूसरा, ढेर सारे रीजन्स हैं व्हाई आई कांट कम टू द ऑनलाइन लाइव क्लासेस में नहीं आ सकता, वो अलग इशू हो जाता है। बशर्ते ज़्यादातर बच्चों को पता ही नहीं होता है कि कॉमेनियस हैं कौन, इसलिए मैंने सोचा कि कॉमेनियस को बताया जाए कि यह चेक गणराज्य के रहने वाले और इतने बड़े फिलासफर थे कि हर एक यूरोप का देश चाहता था कि यह हमारे देश में हमारी शिक्षा व्यवस्था को सुधारें। तो अब इनके बारे में आगे स्टडी जारी रहेगी, साथ ही पास्टोरल एलजी के बारे में स्टडी होगी। आज का क्लास यहीं तक। ओके, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, बाय।